यहाँ पे तकरीबन हो रहा है 2:30 का टाइम, और इस टाइम पे मैं लगाने जा रही हूँ ये फेस पैक जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं, और सिस्टर ने मेरी मेहंदी भी लगा दी है बहुत सुंदर सी, वो भी क्लियर नहीं दिख रही है। मेरे फ़ोन से मैं शूट करती हूँ तो यही प्रॉब्लम होती है। अभी पूरा रूम जो है वो मुझे सेट करना है सुबह से पहले ही, और साथ ही साथ ना मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट करने हैं। और ये रहा हमारा गोलू मोलू शेरू पेरू जो कहना कह लें आप इसे, क्योंकि हमने इसका नाम तो सोचा लेकिन किसी को पसंद नहीं आया, तो सब अपने अपने मन के नाम इसको जो है वो इसके लिए लेते हैं। तो कुछ भी कह लें इसे आप भी। और सबसे प्यारा बकरा मेरा, सबसे प्यारा, सबसे प्यार, पहले तो ना ये प्यार ही नहीं करवा रहा था, आप देखिए कैसे प्यार करवा रहा है, इतने शौक से प्यार करवा रहा है। और अभी फटाफट से मैंने क्या सोचा है कि मैं ये फेस पैक्स अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद अपना सारा काम करूँगी ताकि ये फेस पैक्स भी ड्राई हो जाएं जब तक, और मेरा काम भी हो जाए। टाडा, अभी फटाफट से मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सारे फेस पैक्स। तो यहाँ ना मेरे पास दो फेस पैक है, एक ही नीम वाला है एक ही केसर वाला है। वैसे तो मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन सा मैं पहले अप्लाई करूं, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये प्योर स्किन के लिए, मतलब स्किन को क्लींस करने के लिए तो मैं पहले ये अप्लाई करूंगी, और फिर ये ग्लोइंग स्किन के लिए तो मैं इसके बाद ये अप्लाई करूंगी। तो फटाफट से इसको मैं ओपन करके अप्लाई कर लेती हूँ। फेस पैक लगा लिया है, और अभी ना मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि वो जो फेस पैक नीम वाला लगाया था वो काफ़ी मेल्ट हो गया था, तो मैं ये वाला केसर वाला फेस पैक ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, और देखते हैं फ्रीज़र से निकालने के बाद अगर मैं इसको फेस पे लगाऊंगी तो क्या असर पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ जब तक मैं अपने सारे काम जो है वो थोड़े बहुत 15 मिनट्स में कर लूँगी। और ये रहा सारा ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने जीरे का चिकन भी चढ़ा दिया है, और भी फटाफट से मुझे सारे ड्राई फ्रूट्स कट करने जो कि सेवैयाँ में डालेंगे, तो फटाफट से मैंने कट कर दिए। मम्मी ने कहा कि गोलू को हम घूरी दे दें, तो इसीलिए मैं यहाँ पर घूरी निकालने आई हूँ गोलू के लिए। गोलू लो लो, नहीं लोगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारे परेशानी से बचाए, आमीन सब आमीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और आपकी बकरीद कैसी गई मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज रात तो मैं सो ही नहीं थी, और बाकी सब तो यहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मैं सो गई थी तो काफ़ी सारे काम रुक गए थे, तो इस बार नहीं सोई थी मैं, मतलब पिछली बार से मेरी मुराद ईद की चांद रात वाले दिन की है, तो इसीलिए मेरे काम रुक गए थे, तो इस बार मैं सोई नहीं हूँ। मैंने सुबह उठ के सबके लिए मंगोड़े रेडी कर दिए थे, खुद ही घर पे दाल सोख करके मैंने बनाए थे मंगोड़े, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, पापा नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और यहाँ पे अम्मी जो है सबके कपड़ों में यके बाद दीगरे आयरन कर रही हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम बाकी सारे काम भी जो है वो ईज़िली कर पाए। पापा नमाज़ पढ़ के आ गए थे, और सबसे पहले तो यहाँ पे गोलू को जो है वो नहलाना था, और ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, वैसे तो मैं नहला लेती हूँ लेकिन आज इतने देर खड़े खड़े मेरे पाँव में शदीद किस्म की टीशो उठ रही थी, तो इसीलिए मैंने पापा से कहा कि आप ही नहला दो, तो पापा नहलाने लगे थे, और जूबी को तो मेरी सिस्टर्स नहला रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बकरीद है तो जूबी भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पापा लाए थे चमचम, अम्मी की फेवरेट मिठाई, हमेशा पापा लाते ईद बकरीद में, तो इस बार लेकर के आए थे। तो यहाँ पे जूबी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसको मीठा और दूध वाली चीज़ें बहुत पसंद है, और उसने स्मेल कर लिया था कुछ तो दूध वाला है इसमें, तभी यहाँ पे बैठी हुई है, और फिर अम्मी ने बॉक्स ओपन किया, और ये बहुत ही मज़े की चमचम जो है वो है यहाँ पे। वैसे आपको कौन सी स्वीट अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो मोतीचूर के लड्डू ही अच्छे लगते हैं स्वीट्स में सबसे ज़्यादा, और अम्मी को चमचम अच्छी लगती है, तो अम्मी की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए पापा चमचम ले आए थे, तो मैंने ये भी थोड़ी बहुत इन्जॉय करी थी, और जूबी को भी थोड़ा सी अम्मी ने दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, देख रहे हैं कैसे आगे आगे कूद रही है, स्मेल कर रही है कि मुझे भी मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन वो बात अलग है कि जूबी ने ज़्यादा नहीं खाई थी, हमने उसको ज़्यादा नहीं दिया था, बहुत ही छोटा सी बाइट दिया था ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं भी जो है वो ज्वाइन कर रही हूँ सबको स्वीट्स खाते हुए। वेल, उसके बाद यहाँ पर देखे हमारे गोलू को हम पत्ते खिला रहे हैं, हमारे भाई आए हुए थे नीचे से, तो वो जो है वो पत्ते खिला रहे हैं गोलू को, क्योंकि अब गोलू जो है वो हमारे लिए कुर्बान होने वाला है, तो उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है। और हमारे भाई ने कहा था कि मुझे भी वीडियो में लेना,
तो इसीलिए मैंने भाई को वीडियो में ले लिया था। और यहाँ पे अब माशाल्लाह से कुर्बानी हो गई, सब कुछ खैर से हो गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिफड़ा और कलेजी ले आई थी कि मैं इसको वॉश कर दे रही हूँ, तुम जो है वो इसको कुक कर लेना। मैंने रेसिपी वीडियो शॉर्ट्स में शूट तो की, लेकिन ओवरऑल लुक लेना भूल गई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। बाकी का बचा हुआ प्रोसेस जो है बड़ी सिस्टर ने किया, ऐसे भुनना वगैरह, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। अच्छा, उसके बाद तो खाना खाने के बाद हम सो गए थे, इतनी शदीद किस्म की धूप थी तो कहीं जा ही नहीं सकते थे। सोने के बाद जब हम उठे ना तो अपनी नानी के यहाँ आ गए थे मैं और पापा। तो पहले हम लोग अपनी मौनी के घर गए, फिर मौनी के घर गए, यानी दूसरे मामू, तीन मामू हैं मेरे, तो सब अलग अलग जगह मैं गई थी। और यहाँ पर मैंने गोश्त दिया और फ्री हो गए, फारिग हो गई। और फिर हमारी जो है वो मौनी बुला रही थी नीचे, तो यहाँ पे लग चुका था दस्तरखान, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे दही की फुल्की और सेवई खाने। वैसे तो मैं सेवई कहीं की भी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने सेवई नहीं खाया, मैंने दही फुल्की खाई थी। और हमारे मामू ने दे दी थी इतनी ढेर सारी धनिया और बाकी सारी सब्ज़ियाँ भी, तो ये भी मैं दिखा रही थी कि देखिए कितनी ढेर सारी सब्ज़ियाँ जो है वो हमें मिल गई हैं। क्योंकि ना हम लोग दूसरे दिन ही सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग गोश्त से बोर होकर। और पापा यहाँ पे कॉफ़ी जो एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी के दोनों बच्चे देखे सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मुस्तफ़ा का मुंह बंद कर रही थी सोते हुए। तो उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे अपनी दूसरी मौनी के घर, बड़ी मौनी के घर। तो यहाँ पे भी बैठे थे, अभी पापा को बहुत लेट हो रहा था, और फिर फटाफट से पानी पी के हम लोग यहाँ से निकल गए थे। बहुत लेट हो रहा था क्योंकि पापा को भी मगरिब से पहले जो है वो घर पहुँचना था नमाज़ के लिए, ताकि उनकी नमाज ना मिस हो जाए। और फिर हम लोग आए थे खाला के घर, खाला से मेरे मुराद है सारा के घर। हाँ, सारा के घर आज हम लोग आए हुए हैं। सारा भी अभी सो के उठी थी और उसको जैसे पता चला हम लोग आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे खाला सर्व कर रही है दही फुल्कियाँ, और मैंने भी दही फुल्के और चने जो है इन्जॉय किया। अलग से मैंने वाटर इटना डे भी शूट किया, तो उसे भी लाजम से जाकर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ से थोड़ी बहुत बातें शातें करके, क्योंकि लेट तो हो ही रहा था और इतना लेट हो गया था कि हमारी एक खाला के तो हम जा ही नहीं पाए। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे फिर से गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारी एक खाला बच्ची हैं जहाँ की वीडियोस मैं मोस्टली डालती हूँ जब हम लोग ईद बकरीद में घूमने जाते हैं, तो वो उसी के लिए हम लोग निकल गए थे। और देखें कुछ हद तक धूप जो है वो कम हो गई। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे ना अपनी नानी के घर, इतनी धूप थी कि फेस पे इतनी जलन हो रही थी, आँखों में इतनी जलन हो रही थी धूप की वजह से। अभी थोड़ा मौसम मौसम क्या धूप चली गई है, तो इसलिए थोड़ा सही लग रहा है। और यहाँ पर देखिए रास्ते में हमें मेला दिखा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। पहले हम लोग बहुत मेला जाते थे, तो अब तो खैर जा नहीं सकते हैं, एक उम्र होती है मेला जाने की भी, तो हमारी उम्र निकल गई है। देख के बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हो गई थी जब हम मेला जाते थे तो। और किस किस को मेला जाना अभी भी बहुत पसंद है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। वैसे तो इतनी धूप थी ना कि अगर मैं मेला जाने का ऑप्शन होता तो भी ना जाती। और यहाँ पर देखे ऊँट वगैरह यहाँ पे मुझे इतने सारे दिख रहे थे, मैंने कहा काश मैं भी ऊँट की सवारी कर पाती। लेकिन खैर हम लोग यहाँ से भी गुजर गए बाइक से थे, तो बच्चों की तो ईद होती ही है। देख रहे हैं आप कितने सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। आगे के टाइम पे ये लोग भी कभी कहेंगे कि हम लोग मेला जाते थे। तो बस यहाँ पर देखे कितने बड़े बड़े और कितने ढेर सारे, इसी ज़्यादा बड़ा मेला नहीं था, थोड़ा ही था, और इसी एरिया में कितने सारे ऊँट हैं एक साथ। तो बस इससे आगे हम लोग निकल गए थे। मैंने ना आज बहुत अच्छे से व्लॉग बनाया है, तो बहुत मेहनत लगी है। तो वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे बकरीद व्लॉग को। और आपकी ईद कैसी गई है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग खाला के घर पहुँच गए थे और खाला के मज़े के दही बड़े हमने इन्जॉय किए साथ में चने, और सेवई तो हमने यहाँ भी नहीं खाए क्योंकि पापा तो शुगर पेशेंट है तो सेवई नहीं खाते हैं और मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सिवाई नहीं खाई थी। और यहाँ पे थोड़ी बातें शादी की और टाइम हो गया था मगरिब का, तो पापा ने यही नमाज़ अदा कर ली थी। जब तक हम लोग वेट कर रहे थे पापा की नमाज़ पढ़ने का, जैसे पापा ने जो है नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो वैसे फिर हम लोग जो है वो निकल गए घर की तरफ, क्योंकि उन पापा को ना और भी कहीं जाना था। फिर यहाँ पर हमें दिख गया था क्रॉसिंग बंद थी यहाँ पर,
तो बस जैसे खुली वैसे हम लोग घर पहुँचे और हमने चुरी खाई। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, बकरीद की मोस्ट फेवरेट डिश है। इसके इससे ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता। उसके बाद सीख बोटी और फिर कबाब, लेकिन ये बहुत फेवरेट है। किसी किसी को ये बहुत पसंद, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमने खाना खाया, सालन और नान बना था, तो नान बने नहीं थे, मतलब नान बाहर से आई थी। तो इसी के साथ ही था मेरा आज का ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।